हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट थर्ड ऑफ द सीरीज टेंसेस विद वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट सेकंड तक हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है और आज हम पास्ट टेंस डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। पास्ट टेंस के टाइप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, चार टाइप्स हैं। तो फोर टाइप्स हैं और क्यों फोर टाइप्स हैं ये हमने सेम, इफ़ यू रिमेंबर, हमने प्रेजेंट टेंस में डिस्कस किया था कि प्रेजेंट टेंस के फोर टाइप्स क्यों थे। क्योंकि ब्रॉडली हमने जो प्रेजेंट की बातें हैं उनको चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, और इसी तरह से पास्ट टेंस में भी जो मेनली जो एक्शन या जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं मोटे तौर पर, वो चार ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी या मैंने इंग्लिश पढ़ाई थी, ये पास्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, ये भी पास्ट है। मैं इंग्लिश पढ़ा चुकी थी या मैंने उन्हें इंग्लिश पढ़ा दी थी, दैट्स ऑल्सो पास्ट। या फिर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम से बोलती हूँ कि मैं 2 साल से उस कॉलेज में इंग्लिश पढ़ा रही थी, तो ये भी पास्ट है। तो इस तरह से पास्ट के अंदर ही वेरिएशंस, जो वैरायटी है बोलने की, वो ब्रॉडली फोर टाइप्स की आई हैं। दैट्स वाई पास्ट के फोर टाइप्स हैं और हम आज फर्स्ट टाइप से शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप इज़ सिंपल पास्ट टेंस, एंड आई कैन होप कि आपने अब नेम से इंडिकेशन लेना जरूर शुरू कर दिया होगा कि नेम जो है टेंस का, उसमें, उसके अकॉर्डिंग उसमें किस तरह की बातें आनी चाहिए। जैसे सिंपल पास्ट है, यानी कि पास्ट में वो जो सिंपली एक्शन होते थे, जो बिल्कुल सिंपली होते थे या हुए थे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते थे, हुए थे ओनली, जिनमें थे भी आ सकता है सेंटेंस में, वो सेंटेंसेस इस टेंस की कैटेगरी में आएंगे और ये टेंस हमारी हेल्प करेगा उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हिंदी का जो सेंटेंस है हमारे सामने, इसे अभी हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो वह हमेशा मुझे जन्मदिन पर बुलाती थी। अब ये सेंटेंस पढ़ते ही वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये जो बुलाती थी, ये जो सेंटेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस का, और सिंपल पास्ट टेंस की स्ट्रक्चर इसमें हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर कह रही है कि सब्जेक्ट आएगा पहले, तो इसमें वह बुलाती थी, तो यानी कि वो गर्ल है, और वह को इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट पहले आएगा, तो शी, वह, शी। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आ गए हैं, इफ़ यू सी कि ये हमेशा जो है, तो इस तरह से आपको एडवर्ब्स मिलेंगी, ये एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स भी मिलेंगे, विशेषण भी मिलेंगे, तो ये एड ऑन्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स, हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ जब जाते हैं, तो अब बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है देन यू कैन ऐड वेरी इजीली। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है कि बुलाती थी वाले में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग और बिगिनिंग और लास्ट में आ जाएंगे, और बिल्कुल जो वर्ब है ना उसमें वोज वर्ब नहीं आएगा, उसमें थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, उसमें हैज वर्ब नहीं आएगा, उसमें वर्ब की ओनली एंड ओनली सेकंड फॉर्म आएगी। ये चीज़ आपको ध्यान देने लायक है, अदरवाइज़ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल सकती हैं और उनको आप, उन्हें आपको, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस कि आप प्रैक्टिस के बेस पे कहाँ लगाते हैं उनको, एडजेक्टिव एडवर्ब कहाँ लगाते हैं। तो ये देखिए, वह हमेशा, तो वह हमेशा, देन शी ऑलवेज, आप सीधा शी के बाद हमेशा की इंग्लिश ऑलवेज लगा दीजिए। उसके बाद अब सेकंड स्टेप है वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, शी ऑलवेज। अब वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है बुलाने का, जन्मदिन पर बुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इनवाइट। और इनवाइट की कौन सी फॉर्म आनी है, इनवाइटेड, इनवाइटेड सेकंड फॉर्म आनी है, तो सेकंड फॉर्म इनवाइट की क्या होती है, इनवाइटेड, ठीक है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड लगा दी हमने। अब वह हमेशा और बुलाती थी, इनकी इंग्लिश तो हमने बना ली। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो अब हमें डिसाइड करना है कि वो ऑब्जेक्ट में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म तक हम बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है ना, मुझे जन्मदिन, तो इनवाइटेड क्या आएगा, जन्मदिन की इंग्लिश, जन्मदिन को बिल्कुल वर्ब के बाद लगाओगे आप एज एन ऑब्जेक्ट, या फिर मुझे को लगाएंगे, बताइए। शी ऑलवेज इन्वाइटेड बर्थडे पार्टी, शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी, मुझे को इंग्लिश में मी कहते हैं, है ना।
सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल एंड ऑब्वियस कि इनवाइटेड मी आएगा ना, तो मुझे मी, उसके बाद जो है कि जन्मदिन पर बुलाया तो जो बच्चा वो भी, उसके भी इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है, तो टू बर्थडे पार्टी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे ट्रांसलेट कर दिया है, वह हमेशा मुझे जन्मदिन पर बुलाती थी, शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू बर्थडे पार्टी। अब आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है कि वह मुझे बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाती थी। अब हमेशा तो क्या लगाना, बुलाती ही नहीं थी, है ना, तो वह मुझे बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाती थी। तो अब इन्वाइटेड है, आपने अब तक सीख लिया होगा कि नेगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है ना, और हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगा कर हम नेगेटिव बना लेते हैं। बट इस स्ट्रक्चर में या इस सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब हमने ट्रांसलेट किया, तो कोई हेल्पिंग वर्ब जब स्ट्रक्चर में ही नहीं है, तो इस सेंटेंस में भी देख लो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसने हेल्प की थी, इफ़ यू रिमेम्बर, किसने हेल्प की थी, डू डज ने हेल्प की थी ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में कौन हेल्प करेगा, डिड। डू डज का जो सेकेंड फॉर्म होता है डिड, वो सिंपल पास्ट, इनके पास्ट। तो डिड हेल्प, डिड विल हेल्प यू इन कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इंटू नेगेटिव सेंटेंस, है ना। तो अब आपने डिड नोट लगाना है, डिड नोट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिंट होता है, और उसके बाद अब ये जो डिंट है ये कहाँ लगाना है, वर्ब के जस्ट पहले, है ना, जो भी एक्शन हो रहा है, कुक, प्ले, राइट, रीड, वट एवर एक्शन इज गोइंग ऑन, उसके जस्ट पहले आपने क्या लगाना है, डिंट लगाना है, डिड नोट लगाना है इसे नेगेटिव बनाने के लिए। तो आपने देखिए लगाया शी डिड नोट और डिंट, शी डिंट इनवाइट। अब इनवाइट, ठीक है, वर्ब से पहले आप डिंट तो लगा देंगे, बट ये इनवाइटेड का इनवाइट कैसे हो गया, क्योंकि सेंटेंस में, एक सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म स्ट्रक्चर भी कहती है कि एक ही बार आती है, तो एक ही बार सेकेंड फॉर्म जो डिड है, डिड सेकेंड फॉर्म है ना, तो एक बार सेकेंड फॉर्म आ गई है इस सेंटेंस में, तो अब दोबारा सेकेंड फॉर्म इनवाइटेड के फॉर्म में नहीं आएगी, इनवाइटेड का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। जब भी डिड नोट आप इंक्लूड कर देते हैं सेंटेंस में, तो जो वर्ब, मेन वर्ब होती है, वो सेकेंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में बन कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि शी कुक्ड फूड, और इसको आपने ये कहना है कि उसने खाना नहीं बनाया, सो शी डिंट कुक फूड आएगा, शी डिंट कुक्ड फूड नहीं आएगा, गेटिंग। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेली, उसने फुटबॉल नहीं खेली, ही डिंट प्लेड फुटबॉल नहीं आएगा, ही डिंट प्ले फुटबॉल। सो इस तरह से जब डिड आ जाता है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में की आती है, ना कि सेकेंड फॉर्म की, बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। एंड देन इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट्स इंटरोगेटिव, इसको क्वेश्चन बनाना है, तो डिड को, जैसे कि डज और डू को आपने उधर फर्स्ट प्लेस पे रख के क्वेश्चन बनाया था, वैसे ही यहाँ पर क्या उसने, ये क्या था, वह मुझे हमेशा हमेशा मुझे जन्मदिन पर बुलाती थी, वह मुझे जन्मदिन पर नहीं बुलाती थी, वह क्या वह मुझे जन्मदिन पर बुलाती थी, अगर आपने इसी बात को यूं बोलना है, क्या वह मुझे बर्थडे पार्टी पर बुलाती थी, तो आपने इसको कैसे बोलोगे, डिड को आप आगे रख दोगे, डिड शी इन्वाइट मी टू बर्थडे पार्टी, और जब डिड आ जाएगा तो इन्वाइटेड नहीं आएगा, यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस का हमने एक्टिव, जब सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पे होता है, तो हम उसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, दैट वी हैव लर्नड नाउ। देन नाउ लेट्स प्रोसीड टू पैसिव वॉइस। अब इसको हमें पैसिव में कन्वर्ट भी करना है ना, कि वो मुझे बर्थडे पार्टी पे बुलाती थी, तो इसका पैसिव बनाओ, इसको रिवर्स करो, पैसिव मतलब जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ जाए, जो वह बुलाती थी, वह मुझे बर्थडे पार्टी पर बुलाती थी। अब जो बुलाने वाला है, एक्शन क्या है, बुलाना, बुलाने वाला है वो फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये एक्टिव है, और जब मुझे उसके द्वारा बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाया जाता था, या मुझे उसके द्वारा बर्थडे पार्टी पर बुलाया जाता था, तो इसे, अब मुझे जिसे बुलाया जा रहा है वो पहले नंबर पे आ गया, और जिसने बुलाना है वो लास्ट में आ गया। अब हिंदी में तो ठीक है, हम कन्वर्ट कर देते हैं, अब इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए वही सेम रूल है जो कि मैंने आपको बताए थे, दे विल बी द सेम, जो स्टेप, जो फाइव स्टेप्स है, दैट यू ऑलवेज कीप इन माइंड। फर्स्ट स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ये आपका सेंटेंस है ना, शी ऑलवेज इन्वाइटेड मी टू बर्थडे पार्टी,
तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के जस्ट बाद, वर्ब के जस्ट बाद कौन है, मी। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, मी। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो आपने सबसे पहला स्टेप ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। तो मी को आपने उठा के फर्स्ट प्लेस पे रख देना है। तो फर्स्ट प्लेस पे जैसे ही मी को रखा तो वो आई बन गया। सेकंड रूल आपने बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि हमेशा पैसिव वॉइस में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब पक्का आती है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी पैसिव आपको नहीं मिलेगा। अब वो हेल्पिंग वर्ब किस पे डिपेंड करती है, वो टेंस पे डिपेंड करती है कि टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। अब इस केस में जो टेंस है वो इन पास्ट है, क्योंकि इनवाइटेड से पता लग गया हमें, सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है सेंटेंस में, तो ठीक है ये पास्ट है। और पास्ट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वोज या वर में से कोई आएगी। अब आई के साथ वर आएगा कि वोज आएगा, फिर वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है ना। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वोज वर में से कोई एक आएगा, बट वोज और वर में से जो आएगा वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर यहाँ पे आता कि उनको उस सभी स्टूडेंट्स को उसके द्वारा बर्थडे पार्टी पर नहीं बुलाया जाता था, तो आप क्या लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स वर, ऑल द स्टूडेंट्स होते तो वर आता। अब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा, आई वॉज ऑलवेज का ऑलवेज रह गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इन, अब मेन वर्ब इन्वाइटेड है, इन्वाइटेड की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड ही होती है, इन्वाइट, इन्वाइटेड, इन्वाइटेड। यहाँ थर्ड स्टेप तक हमने कंप्लीट कर लिया, तो इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी आएगा। आई वॉज ऑलवेज इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी, फोर्थ स्टेप बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी। शी को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हर, शी का हर, ही का हिम, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो इसमें इस तरह से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो ये हर आ गया। सो आई वॉज ऑलवेज इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी बाई हर, ओके। सो मुझे उसके द्वारा हमेशा बर्थडे पार्टी पर बुलाया जाता था। इसी तरह से आप इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मुझे उसके द्वारा बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाया जाता था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लिख दीजिए, वो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमें डिड लगाना पड़ा था। पैसिव में तो प्रोवाइड हो गई ना, पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको, और आपको नेगेटिव बनाने में बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ही लगाना है, आई वॉज नॉट ऑलवेज इन्वाइटेड टू बर्थडे पार्टी बाई हर। और इसको हम इंटरोगेटिव भी बना सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठा के फर्स्ट प्लेस पे रख दीजिए, वॉज आई ऑलवेज इन्वाइटेड टू, क्या मुझे हमेशा उसके द्वारा बर्थडे पार्टी पर बुलाया जाता था। तो ये इस तरह से यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप रिवर्स फॉर्म में, उसी को पैसिव फॉर्म में। अब एक क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्वियस रहता है स्टूडेंट्स का, वो ये कि, और वो बिल्कुल ऑब्वियस भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि सिंपल पास्ट भी कहता है ना, सिंपल पास्ट भी ये कहता है कि जो काम हो गया, वट एवर एक्शन हैपेंड इन द लाइफ, जो हो गया, जो हुआ था, वो उसे हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट के अकॉर्डिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट में भी ऐसा ही कुछ होता है कि जो काम हो गया है या हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट, वो कंप्लीट हो गया है, तो वो इसमें आएगा। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बिल्कुल आप माइन्यूटली इस पे ड्वेल ऑन करेंगे, थोड़ा सोचेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंस आपको दिखेगा, मिलेगा। इसमें जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है, जो बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं, कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में हैपेंड हुए लेकिन प्रेजेंट में कोई कनेक्शन नहीं है उन बातों का, कोई काम हुआ था एंड दैट्स ऑल, वो काम हुआ था। जैसे कोई कहे कि मैंने खाना बनाया था, मैंने 2 साल पहले खाना, यहाँ पर खाना बनाया था, वो बनाया था, उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे एक्शन जो पास्ट में चाहे कितने ही पहले हों, चाहे अभी हुए हों, अभी रिसेंटली हमने किए हों, चाहे वो बहुत पहले हुए हों, अगर प्रेजेंट में उन एक्शन का कनेक्शन है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएंगे। मतलब उन बातों को हमें हैज़, हैव थर्ड फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, चाहे वो कितनी पुरानी बात है बट कनेक्टेड है अभी भी प्रेजेंट से। और अगर पास्ट में हो गया कोई काम एंड दैट्स ऑल, तो वो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म से काम चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल अगर लें, जैसे जब वह 3 साल की थी तो उसकी उंगली कट गई थी, या उसने अपनी उंगली कटवा ली थी या कट गई थी, तो अब वो जो हैंडीकैप हो गई, वो शी हैज़
दैट इफेक्ट इन हर लाइफ. अभी भी है, 3 साल पहले हुआ था. व्हेन शी वाज 3 इयर्स ओल्ड शी कट हर फिंगर नहीं आएगा, शी हैज़ कट हर फिंगर आएगा, क्योंकि अभी भी दैट पोर्शन ऑफ फिंगर इज नॉट प्रेजेंट इन हर हैंड, है ना. तो इस तरह से कुछ ऐसे एक्शन जो पास्ट में हो जाते हैं बट अभी भी प्रभावित है, अभी भी एक्टिव हैं हमारी लाइफ में वो एक्शन, तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्प से बोलेंगे. और एक दूसरा चीज़ जो एक्सप्रेशन में आती है बात, जैसे एक ही बात को आप 2 तरीकों से भी बोल सकते हैं और दोनों ही सही होती हैं, लेकिन एक्सप्रेशन में वेरिएशन आ जाता है. कैसे? देखो अभी जैसे किसी ने ये बोला, आई बॉट अ न्यू बाइक. अब उसने बोला आई बॉट अ न्यू बाइक, तो सिंपल सी बात है कि वो कह रहा है कि मैंने न्यू बाइक ख़रीदी थी. इसमें वो जस्ट ही वॉज टेलिंग दैट ये एक्शन मैंने किया था, मैंने ख़रीदने का काम किया था. आई बॉट अ न्यू बाइक, मैंने एक न्यू बाइक ख़रीदी थी. अब ये सेम जो ख़रीदने का काम है, एक्शन है, इसको कोई इस तरह से बोल रहा है, इस तरह से एक्सप्रेस कर रहा है कि आई हैव बॉट अ न्यू बाइक, आई हैव बॉट अ, कि मैंने एक न्यू बाइक ख़रीद ली है. अब विद दिस सेंटेंस क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो, कि मेरे पास एक न्यू बाइक है, अब मेरे पास भी बाइक है, आई हैव बॉट अ न्यू बाइक, मेरे पास न्यू बाइक है अब, आई बॉट अ न्यू बाइक एंड आई हैव बॉट अ न्यू बाइक. सो यू कैन, आप देख सकते हैं डिफरेंस कि इसमें जो एम्फेसिस है या जो जिस बात पे जोर दिया जा रहा है वो रिजल्ट पे है, कि इसका रिजल्ट ये है कि मेरे पास अब बाइक है, आई एम नॉट विदाउट बाइक नाउ, है ना. तो जैसे कोई अगर ये कहे कि शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया था, अगर वो कहे कि शी हैज़ कुक्ड फूड मतलब खाना बना लिया है उसने, काम कर लिया है उसने, थोड़ा सा एम्फेसिस में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि आपका जो स्ट्रेस है, आप किस बात पे स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, रिजल्ट पे देना चाह रहे हैं, कोई काम जस्ट एक्शन हुआ था उस पे देना चाह रहे हैं, या रिजल्ट पे आप उस सामने लिसन वाले जो लिसनर है उसको जताना चाह रहे हैं. सो इट डिपेंड्स. सो दोनों सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट दोनों ही टेंसेज ऐसे वाक्यों के लिए होते हैं जिनमें एक्शन हो गया है, बट डिफरेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि एक तो प्रेजेंट का कनेक्शन आपने चेक करना है और एक आप किस बात को वहाँ पे हाईलाइट करना चाहते हैं, दैट मैटर्स. ओके, सो अब सिंपल पास्ट में और भी कुछ इंडिकेशंस और हिंट्स आप ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप, जैसे जब सेंटेंसेस में ऐसी बातें हों, येस्टरडे, अगो, कोई बहुत पुराने सन की बात हो, द अदर डे, लास्ट, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं वो उस केस में आपने सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, यानी ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आपने बात करनी है. और अगर ऐसे सेंटेंस में इस तरह से होगी, जस्ट अभी, आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई होमवर्क, कि मैंने अभी मेरा होमवर्क किया है, अभी जस्ट ऑलरेडी, और ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन इट. सो ऑलरेडी, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के एक्सप्रेशन आपको मिलें, ऑलरेडी, अप टू नाउ, अनटिल नाउ, एवर, येट, सो फार, लेटली, रिसेंटली, आई हैव डन दिस, आई हैव, देखो रिसेंटली, रिसेंटली वर्ड आते ही, ये पास्ट, दिस इज़ नथिंग. सो रिसेंटली वर्ड आते ही आपके माइंड में, या मैंने अभी क्या बोला, रिसेंटली आई हैव डन दिस एक्सप्रेशन comes in my mind as I speak this. तो recently, lately, अभी, तो ये जो है ये सारे expression present perfect tense के हैं, तो ये इस तरह से भी आप इनमें differentiate कर सकते हैं. And I hope that now you will not mix both of them, they are totally different and there is a difference, जो कि आपको अब clear हो गया होगा. Next tense we are going to start is, that is past continuous tense. So अभी हमने simple past tense किया, मैं थोड़ा आपको दोबारा वो समराइज कर देती हूँ, थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा आपको. तो अभी तक हमने क्या किया, सिंपल पास्ट टेंस में जो जिस तरह के सेंटेंस आते हैं उसके लिए जो स्ट्रक्चर होती है उसके अकॉर्डिंग हमने उनको ट्रांसलेट किया, उनको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बना के देखा, फिर हमने सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को रिवर्स कैसे बोलना है, कैसे जब सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है बोलना है उस तरह से हमने रिवर्स करके भी देखा. और हमने ये भी डिस्कस किया कि सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है. ओके, नाउ आर यू रेडी फॉर दिस नेक्स्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस? यस, आई होप यू आर रेडी नाउ. सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब नेम ये तो बहुत ही क्लियर है नेम से, कि पास्ट में कंटिन्यू है कोई एक्शन, कब? पास्ट में.
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, कोई एक्शन प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है मतलब रहा है, तो यहाँ पे रहा था, कंटिन्यू कब था एक्शन, पास्ट में, तो रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के जो सेंटेंसेस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यू थे। तो इस तरह के जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे सिंपली, एंड द स्ट्रक्चर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट नाउ ट्रांसलेशन। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल इज़ मोहन खाना बना रहा था। अब ये जो रहा था है, ये रहा था हमें बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये किस कैटेगरी का है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर के पास जाना है कि ये स्ट्रक्चर हमें क्या कहती है। स्ट्रक्चर कहती है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मोहन, करता है मोहन यहाँ पे, और मोहन के साथ वॉज आएगा कि वर आएगा। आई हैव टोल्ड यू दैट सिंगुलर जो है वो वॉज लेते हैं और मोहन सिंगुलर है, और जो प्लूरल है वो वर लेते हैं सब्जेक्ट। तो मोहन सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, दैट्स वाई हम वोज को सेलेक्ट करेंगे, एंड वी हैव रिटन वोज हेयर, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब खाना बनाना, खाना बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक। कुक की फर्स्ट फॉर्म कुक, एंड देन वी हैव अप्लाइड हेयर ing, कुकिंग। मोहन वोज कुकिंग, एंड मोहन बनाना, इसकी भी इंग्लिश हो गई, क्या बचा, खाना। मोहन वॉज कुकिंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। सो खाना की इंग्लिश फूड, मोहन वॉज कुकिंग फूड। तो इस तरह से हम पास्ट कंटिन्यूअस में हम जब हमें बनाता था, तो आप इसमें भी कई बार मिक्स कर देते हैं कि खाना बनाया, मोहन ने खाना बनाया, तो खाना बनाया तो वॉज वर नहीं आएगा, मोहन कुक्ड फूड, उसमें सिर्फ ओनली वो आपकी सेकंड फॉर्म से बनेगा, और बना रहा था तो वॉज वर, मोहन वॉज कुकिंग फूड। नेगेटिव इज़ वेरी इजी, आफ्टर वॉज विल अप्लाई नॉट एंड वॉजंट, मोहन वॉजंट कुकिंग फूड, मोहन नहीं बना रहा था खाना। एंड इफ़ वी वॉन्ट टू मेक इट्स इंटरोगेटिव, देन वॉज को आप फर्स्ट प्लेस पर रख दीजिए, वॉज मोहन, क्या मोहन खाना बना रहा था, वॉज मोहन कुकिंग फूड। तो इस तरह से ये पास्ट कंटिन्यूअस के हमने अभी एक्टिव वॉइस कंप्लीट कर लिए हैं विद इट्स नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। सो लेट्स प्रोसीड नाउ पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस आप देखिए, फाइव स्टेप्स इस बार मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अब आपसे कि आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे, बिकॉज अगेन एंड अगेन हमें उनको यूज़ करना है, एंड दे आर फाइव स्टेप्स, एंड दे आर वेरी, इट इज़ वेरी इम्पेरेटिव, और ये बहुत ही नेसेसरी है कि आप उन्हें लर्न कर लें और आपके दिमाग में वो फिट हो जाएं। सो पैसिव वॉइस अब हमें बनाना है मोहन वॉज कुकिंग फूड का। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप ऑब्जेक्ट को क्या बनाना था, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज़ फूड, फूड को सब्जेक्ट बनाओगे तो फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा, फूड, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था, एनी हेल्पिंग वर्ब, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब पक्का आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, टेंस के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट पास्ट है कि फ्यूचर है। अब पहले आइडेंटिफाई करो कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट पास्ट है कि फ्यूचर है, वोज जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट है, पास्ट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वोज या वर में से एक आएगी। फूड है, फूड के साथ क्या आएगा, वोज आएगा, फूड के साथ वॉज आएगा, फूड वॉज। एंड देन आई हैव टोल्ड यू कि जब भी आपको आईएनजी दिखे एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस में, जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, तो आपने पैसिव में मेन वर्ब से पहले बींग लगा देना है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। तो यहाँ पे बींग आ जाएगा, और उसके बाद जो स्टेप थर्ड है आपका, वो जो फाइव रूल्स है उनमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। फोर्थ स्टेप था कि बाय आएगा, एंड वी हैव अप्लाइड बाय हियर, एंड द लास्ट फिफ्थ स्टेप वॉज कि सब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट, तो मोहन को हमने लास्ट में रख देना है, दैट विल कम हेयर, एंड इट इज़ हेयर नाउ मोहन। सो अब इसको हमने उल्टा भी बोल दिया है कि मोहन खाना बना रहा था, खाना मोहन के द्वारा नहीं बना, खाना मोहन के द्वारा बनाया जा रहा था। तो अब इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, फूड वॉज बींग कुक्ड बाय मोहन। और अगर इसको आपको नेगेटिव बोलना है तो वॉज नॉट, वॉज के बाद नॉट लगा दीजिए। अगर आपको इसको इंटरोगेटिव बनाना है, देन वॉज फूड, क्या मोहन के द्वारा खाना बनाया जा रहा था, वॉज फूड बींग कुक्ड बाय
मोहन. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन नाउ एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेल कि किस तरह से हमने पास्ट कंटिन्यूस में एक्टिव वॉइस में बात करनी है एंड पैसिव वॉइस में बात करनी है. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बिगिन द नेक्स्ट टू रिमेनिंग टेंसेज ऑफ दिस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. अंटिल देन कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर नाउ.